आपकी मौजूदगी में आपकी बीवी जारा को सरेआम बेइज्जत करके जलसे से बाहर निकाल दिया गया और आप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या आप हमारी बेटी जारा की तौहीन का बदला दे सकेंगे? क्या आप हमारी बेटी जारा की इज्जत लौटा सकेंगे? जी काजी साहब। क्या आप सबके सामने हमारी बेटी जारा से माफी मांग सकेंगे? बेशक काजी साहब। आप चाहते हम जारा से माफी मांगे, ये हमारे लिए सबसे खूबसूरत सी सजा होगी। आप हमें माफ कर दीजिए। कबीर अहमद, अगर आप हमारी बेटी जारा की इज्जत रख लेते हैं तो हम अपनी बेइज्जती भुला देंगे। हमने तो दिखा दिया कि हमारा दिल कितना बड़ा है, मगर आपकी छोटी सोच ने काजी के रुतबे को ठेस पहुंचाई है। कबीर अहमद, आपने अपने वकार को रुसवा किया है। क्या अपने दामन से इस रुसवाई का दाग मिटा सकें? आइए हमारे साथ, बैठिए। काजी साहब, हमें अपने आप पर पूरा यकीन है कि आपकी सारी शिकायतें हम दूर कर सकते। बस एक बार माफ कर दीजिए। आपकी आंखें बता रही हैं कि ऐसा जरूर होगा, मगर नियत का अंदाजा नहीं है हमें। खैर, अल्लाह आपको अपना फर्ज निभाने की तौफीक अता करे। आमीन काजी साहब। सुमा आमीन। अब तो आमीन भी हो गया, मतलब तलाक खत्म और हनीमून शुरू। तो बताइए कहाँ की टिकट करें, मनाली की, स्विट्जरलैंड की, या फिर से कश्मीर? सारा, इनकी आंखों को देख, क्या चमक है, माशाल्लाह। बस भी कर, कितना चढ़ाओगी हमारे शौहर को? वैसे तुम जानती हो कबीर ने हमारे लिए आज नाश्ता बनाया था। हम दोनों के लिए? दोनों के लिए। अच्छा, तो मौलवी साहब हमारी जारा पे फिर से लट्टू हो गए। सीमा, वैसे अब कबीर के पास 25 दिन बचे हैं ये समझने के लिए कि तलाक का फैसला गलत है या सही है, ना कबीर? जारा, हमें मालूम है हमें क्या करना है। अबू, ये लीजिए आपकी स्पेशल चाय। शुक्रिया जीना, शुक्रिया। अरे नीलोफर, कहाँ थी तुम? इतने दिनों तक गायब रही, कुछ बताया भी नहीं। सब खैरियत तो है? हम मेरठ गए थे किसी काम से। सलाम अलैकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। चाय लोगी? नहीं नहीं, बाद में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम कबीर। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। मिराज, काम का वक्त हो चुका है, चलते। जरूर। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारी तबीयत इतनी मुश्किल से संभली है जी, अभी भी कमजोरी है, आराम करना चाहिए कुछ दिन। अबू माशाल्लाह काफी आराम हो चुका है और काफी सारा काम बाकी, हमें पूरा करना है वो काम, तो जाना पड़ेगा अबू। कबीर, अबू ठीक कह रहे बेटा, ये क्या बात हुई? काम ज्यादा जरूरी है या सेहत? अम्मी, हमारी सेहत बेहतर हो चुकी है और हमें कुछ नहीं सुनना है, घर पर रहोगे, समझे? अम्मी काम तो करना पड़ेगा, जाना होगा अम्मी। आप समझाइए इसे। नहीं ठीक है ना बेगम, ठीक है, अगर ये जाना ही चाहता है तो जाने दीजिए इसे, मगर जाने से पहले हम एक सवाल पूछना चाहते हैं इससे। आज सुबह घर से बाहर कहाँ गए थे तुम? काजी साहब, क्या तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो? काजी साहब के घर जाने की क्या मजबूरी आन पड़ी तुम्हें, और किसी ने रोका नहीं तुम्हें? खास करके वो लोग
जिन्हें तुम्हारी खैरियत की बहुत फिक्र है, जिसे अभी भी तुम अपनी बीवी मानते हो। रोका नहीं उसने तुम्हें? नहीं अबू, सच कह, जारा का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, हम खुद वहां जाना चाहते थे बस। क्या हम पूछ सकते हैं क्यों? अबू, इनॉग्रेशन में बेवजह उनकी बेइज्जती हुई थी काजी साहब की, और उनके दिल को ठेस पहुंचाई हमने, इसलिए हम वहां गए थे माफी मांगने अबू, बस और कुछ नहीं। मतलब अब ऐसी नौबत आ गई है कि तुम अपने अब्बू की बात को नजरअंदाज करोगे। तुम्हारी बीवी के अब्बू तुम्हारे अपने अब्बू से ज्यादा अहमियत रखने लगे हैं, क्यों? अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? अब्बू हम जानते हैं आप हमारे वालिद हैं, हम ये भी जानते हैं कि आपने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, मगर अभी हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं अब्बू। कबीर। नहीं अम्मी, नहीं, नहीं, हम बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो चुके अब्बू, हमारे फैसले हम खुद लेंगे। जरा हटो, हम नहीं हटेंगे, जरा हमारा रास्ता प्लीज ना। देखो अम्मी तुम्हें रोक रही हैं, अब्बू रोक रहे हैं, हम रोक रहे हैं। मत जाओ ना, इतनी भी क्या नाराज की कभी, थूक दो ना गुस्सा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, रुक जाओ ना कभी हमारे लिए। आओ कबीर। हमें लगता है कि जारा और कबीर के बीच में ना सब कुछ ठीक हो चुका है, बिल्कुल पहले जैसा, क्योंकि कल जब हम जारा के घर गए थे ना, तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, कबीर जारा के लिए माफी मांग रहा था और जारा भी उसका पक्ष ले रही थी। शायद उस वक्त ना कबीर गुस्से में होगा, तभी उसने तलाक दी होगी। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है रीमा, मगर हमें नहीं लगता कि कबीर ने गुस्से में आके इतना बड़ा फैसला लिया होगा। हम कबीर को बचपन से जानते हैं, तलाक देने से पहले कबीर ने बहुत कुछ सोचा और समझा होगा। एक बात बताओ, ये तलाक खत्म होने वाली बात कबीर ने खुद कही है? नहीं। तो फिर खतरा टला नहीं है रीमा, जारा कबीर के रिश्ते पे अब भी तलवार लटक रही है। जरा बहस नहीं करना हमें। कबीर हम बहस नहीं कर रहे, बस इतना बोल रहे हैं कि अब्बू से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। उन्हें हमारे साथ ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए थे जरा। कबीर हमारे पास सिर्फ 25 दिन बाकी है जरा। हम इस बचे हुए वक्त को इतना खूबसूरत बनाना चाहते हैं जरा, इतना कि हम दोनों कभी ना भूल पाए। मगर नहीं, तुम्हें पता हम क्या करने वाले थे? मिराज के साथ जाकर अपना सारा काम खत्म करने वाले थे, और उसके बाद हम तुम्हारे साथ वक्त गुजारने वाले थे, एक अच्छा दिन गुजारना चाहते थे बस, और कुछ नहीं। मगर नहीं कबीर, हमारे पास क्या सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए? बस 25 दिन? हाँ सर, बैठो जरा, हम कुछ कहना चाहते, बैठो जरा। बहुत सोचने और समझने के बाद हमने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया था, इसलिए हमने तुम्हें तलाक दी थी। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि वो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। इंशाल्लाह। कबीर, तुम्हारे एक फैसले पर हमारी आने वाली जिंदगी टिकी हुई है। वैसे कबीर, हम जानते हैं कि तुमने
तलाक का फैसला सोच समझ के लिया है, लेकिन क्या हम तुमसे कुछ पूछ सकते हैं? पूछो जरा। हमारे पास दो सवाल है। पहला सवाल ये कि तुमने हमें तलाक क्यों दी? दूसरा सवाल क्या जरा? पहले इस सवाल का जवाब तो तभी दूसरा सवाल पूछेंगे। नहीं, सवाल खुद से पूछो। कबीर, हम तुमसे पूछ रहे हैं। अगर तुम्हें अब तक खुद इस बात का एहसास नहीं है तो हमारे बोलने का मतलब क्या है जरा? हाँ, अगर हम तुम्हें दूसरी तलाक देंगे तब वजह जरूर बताएंगे। ठीक है कबीर, तुम्हें नहीं जवाब देना है मत दो, दूसरे सवाल का जवाब दे दो। तुम्हें मेहर के 1 करोड़ रुपए किसने दिए? ये सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते सारा। और एक बात बताओ, जान के क्या करोगी? कबीर, ऐसे तो तुम हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, तुम हमारे दिन कैसे स्पेशल बनाओगे? कबीर, तुम हमसे कोई सवाल पूछ के देखो, हम हर चीज का जवाब देते। कबीर, ऐसा क्या है जो कबीर हमसे छुपा रहा है? हमें पता करना पड़ेगा। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? अम्मी, एक काम कर सकती है हमारा। हाँ हाँ बोलो, क्या करना होगा? अम्मी, हमें नहीं पता कि हम कैसे कहें, लेकिन हमारे ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम पता करके बताते हैं, फिक्र मत करो। जी, शुक्रिया अम्मी। कबीर, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हुए हो। तुम भी ना अजीब हो, वादा करके मुकर जाते हो। क्या चाहती हो सर? अभी दोपहर होने आई है, तुमने अभी तक कुछ सरप्राइज प्लान नहीं किया हमारे लिए? तुम हमारे लिए कुछ स्पेशल करने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? ठीक है, तुम खुद बताओ हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो तुम्हारा ये दिन स्पेशल हो जाए। आओ हमारे साथ, हम बताते हैं। अभी? हाँ अभी। जो जादू तुमने सिराज भाई पर चलाया था वो हम पर भी चल गया है यार। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा तलाक भी मुकम्मल होगा और हम तुम्हें अपना भी बनाएंगे, जाने मिराज।
वैसे ज़ारा बेटा, खुशी कभी नहीं छिपती, इसलिए जो भी तुम्हारे मन में है हम सबको बता दो। कबीर हमारा आज का दिन स्पेशल बनाना चाहता है, तो हमने सोचा क्यों सिर्फ हमारा ही दिन खास बने। हमारे पास एक प्लान है कि इस घर के सभी शौहर अपनी बीवियों के लिए कुछ यादगार करें। तो कबीर, क्या सुन रहे हो? तुम सच में ऐसा कुछ करने वाले हो? बिल्कुल भाभी, क्योंकि अपनी बीवी को खुश करना गलती तो नहीं है। वाह क्या बात, सुन रहे हैं? जरा अपने भाई से कुछ सीखिए, हमारे लिए तो आज तक कभी कुछ नहीं किया। अपनी बीवी की खुशी के चक्कर में हजरत आदम जन्नत से निकाले गए थे, तो भाई हमें इसमें थोड़ी मुश्किल है। अम्मी सुन रही हैं आप? लेकिन बेटा तुम नहीं जानते, अगर बीवी को खुश नहीं किया ना तो भी जन्नत से निकाले जाओगे। हम सोच रहे हैं क्या अलीना अप्पी के लिए कुछ करेंगे। वैसे आप अपने बच्चों को क्यों नहीं बता देते कि आप भी इनसे कम नहीं हैं? अब आप कहती हैं बेगम, तो क्या है आपके जहन में, हम तोहफा दे देंगे। अब्बू, तोहफा खरीद कर नहीं दे सकते, यही तो शर्त है कि कोई भी शौहर अपनी बीवी के लिए तोहफा नहीं लाएगा, वरना ये तो आसान हो जाएगा ना, कुछ अलग करना होगा। हेलो फिर आओ, हम भी तुम्हारे दिन को स्पेशल बनाते हैं। क्या बात है, पर भाईजान ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मौका तो देकर देखो, कोशिश तो हम भी कर सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है ज़ारा कि हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं दोगे? हमने तो सुना है कि मर्द कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना। आज नहीं तो कल जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हमारा आज का दिन कैसे स्पेशल बनाने वाले हैं? हम भी ना गलत सवाल पूछ रहे हैं, तुम तो ठहरे मौलवी, ना डांस कर सकते हो, ना गाना गा सकते हो, ना गिफ्ट दे सकते हो, और पहली तलाक के बाद तो छू भी नहीं सकते। सोचो सोचो मौलवी साहब, सोचो। शौहर होना ना बहुत ही टेढ़ी खीर है। आपके लिए सच? हाँ, और सुनो, 2 दिन के बाद वापिस देना। आज तक आपने हमसे जो कुछ भी कहा हमने किया, जो कुछ भी मांगा हमने दिया। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप हमसे मांगे और हम ना दें आपको? जानते हैं आपने तमाम खुशियां दी है हमें, लेकिन आज जो हम आपसे पूछना चाहते हैं उसका जवाब आप ईमानदारी से देंगे ना? ये क्या बात हुई बेगम, आपसे हमने कभी भी कुछ छुपाया नहीं है, हर चीज सच सच बताई है, इस बात की गवाह है।
नमाज को देर हो रही है, बेफिक्र होकर पूछिए। आप तो जानते ही हैं कि कबीर ने जारा के मेहर के 1 करोड़ रुपए उसे वापस दे दिया है। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कबीर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? कहीं आपने तो नहीं दी उसे? नहीं बेगम, हमने नहीं दी है। बल्कि हम भी ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम उसके पास आई कहां से? आप सच कह रहे हैं ना? नमाज के लिए जा रहे हैं। अम्मी का मैसेज। अब्बू ने पैसे नहीं दिए, पर कबीर के पास इतने पैसे कहां से है? ऐसा क्या किया कबीर ने?